So, hey, what's up, your family? This is Ankit. कैसे हैं आप? I hope आप सब ठीक होंगे और फिट होंगे. So, guys, आज HK Vitals का मल्टी विटामिन. गाइज, आपने हेल्थ कार्ड का नाम तो सुना ही होगा. हेल्थ कार्ड, हम जब आज से 4-5 साल पहले नए नए थे, सप्लीमेंट के बारे में जान रहे थे, तो हमें एक जेन्युइन अगर कोई वेबसाइट पता थी जहां से हमें 110% ओरिजिनल सप्लीमेंट मिल सकता था, तो वो हेल्थ कार्ड था. ये वीडियो हेल्थ कार्ड ने स्पॉन्सर नहीं किए गाइज, सच बता रहा हूँ. तो आज उन्हीं के एक प्रोडक्ट HK Vitals, जो कि Flipkart Amazon पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, उसका रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ. मैंने इसको 10-15 दिन यूज भी कर लिया है. अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कोई भी प्रोडक्ट बिना यूज किए उसका रिव्यू नहीं देना पसंद करता. तो मेरे इस फैमिली का हिस्सा बनो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस लाल बटन को जरूर दबा दो. कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए जरूरी हो सकती है वो मिस नहीं होगी. सो गाइस, इसका प्राइस, वैसे इसकी MRP है गाइस 650 रुपए, बट ये 350 रुपए के आसपास मिल रहा था Amazon पर. वैसे मैंने इसे Flipkart से मंगाया है. इसके अंदर 7 टैबलेट्स हैं, इसकी सर्विंग सिर्फ एक है. गाइस, सबसे जरूरी चीज, मल्टी विटामिन क्यों चाहिए? हमारी बॉडी को मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत होती है, और वो कई सारे होते हैं. और कई सारे मल्टी विटामिन्स होने की वजह से मल्टी विटामिन मल्टी फूड्स में मिलता है. यानी कि किसी फूड में कुछ मिलेगा, किसी फूड में कुछ मिलेगा, किसी फ्रूट्स में कुछ मिलेगा, और किसी में कुछ मिलेगा. तो हम सब कुछ एक ही दिन में कंज्यूम नहीं कर पाते, ये पॉसिबल ही नहीं होता है. तो उसी वक्त एक मल्टी विटामिन काम आता है. गाइस, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ. इसके एक टैबलेट में आपको, इसकी वैसे जो कैप्सूल है गाइस वो रेड कलर की है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव कुछ. अरे निकल जा भाई, निकल ही नहीं रही यार, निकल आई. ये कुछ इस तरह की होती है गाइस, रेड कलर की. और इसकी एक टैबलेट, एक कैप्सूल में, मैं इसको टैबलेट कहता हूँ, में आपको क्या क्या मिलता है हम उसकी बात करते हैं. सो गाइस, सीधे आते हैं इसके न्यूट्रिशन वैल्यू पर. गाइस, इसमें टॉरिन है 500 mg, जो कि बहुत अच्छी डोज है. टॉरिन आप सबको पता होना चाहिए कि मसल बिल्डिंग में टॉरिन का बहुत बड़ा रोल होता है. इवन टॉरिन प्री वर्कआउट्स में भी मिलता है, और उसकी डोज 500 mg से 1000 mg होती है, जो कि इसमें है पूरी बड़ी अच्छी बात. बाकी गाइस, इसमें ल्यूसीन, आर्जिनाइन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, मतलब काफी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भरे हुए हैं, पता नहीं क्यों, और बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कम मात्रा में. कुछ लोग कहेंगे इसमें आपको अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं इसलिए ये मल्टीविटामिन बहुत अच्छा है. मैं आपको सच बता दूं, इसमें इसकी आरडीए वैल्यू तक नहीं लिखी है. आरडीए वैल्यू आपको पता होना चाहिए, यानी कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो होता है आरडीए वैल्यू. तो वो तो इसमें मेंशन तक नहीं है. और जो वैल्यू आपको इसमें मिल रही है इन अमीनो एसिड्स की, वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं है. इसे आप लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बात करते हैं इसके विटामिंस की. इसमें आपको विटामिंस क्या क्या मिल रहे हैं गाइस. इसमें विटामिन सी 40 mg है, जो कि एक परफेक्ट डोज है. इसके अलावा इसमें विटामिन B3, विटामिन ई, B6, B2, B1, A, B5, फॉलिक एसिड, इवन बायोटीन भी है, जो कि अच्छी बात है. इसमें एक खराबी मैंने देखी गाइस, इसमें ज्यादातर जो इसमें विटामिंस और मिनरल्स हैं उनकी जो डोजेस हैं वो कुछ जगह पर हाफ से भी कम है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है. बाकी इसमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम और सेलेनियम है. और इनकी डोज भी सेम 50% के ऊपर भी नहीं जाती, कुछ एकाध को छोड़ के 50% के ऊपर भी नहीं जा रही है. तो थोड़ा डिसअपॉइंट तो मैं हूँ, बट और कई लोगों ने इसे यही बोला है कि ये बहुत कम है, बहुत कम है, इसके 2 टैबलेट्स यूज़ करो तभी पूरा होगा. मैं आपको साफ रिकमेंड करता हूँ गाइस कि 1 टैबलेट इनफ है. आप सोचो कि क्यों, जबकि ये 50% वैल्यू दे रहा है न्यूट्रिशन की. गाइस, थोड़ा अपनी डाइट पर भी डिपेंड रहो, ठीक है. और जिस प्राइस पर ये आपको मिल रहा है, आप कंप्लेन नहीं कर सकते. आपको 350 रुपये में एक 60 दिन का मल्टीविटामिन मिल रहा है. अगर आप एक बिगनर हो तो मैं साफ कहता हूँ कि ये मल्टीविटामिन आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बनेगा. तो क्या मैं इस मल्टीविटामिन को रेकमेंड करता हूँ? हाँ, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और आपकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, चाहे अच्छी हो चाहे नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो अगर आप एक मल्टीविटामिन ऐड करना चाहते हो अपनी डाइट में, तो HK Vitals एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. बाकी ऑप्शंस की अगर बात करेंगे गाइस, तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इससे अच्छे हैं, इससे बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ हम प्राइस को प्रेफर कर रहा हूँ. अगर आपके बजट अच्छा है तो आप और अच्छे मल्टीविटामिंस के साथ जाओ, इसको लेने की जरूरत नहीं है. बजट कम है तो इसे एक बार ट्राई करके देखो. सो गाइस, आई होप कि अगर आपके पास कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पूछोगे. बाकी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपके डाउट्स के रिप्लाई करता हूँ. अदरवाइज उन डाउट्स पे वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ. अगर आपको इसकी डोज को लेकर के डाउट है, तो इसमें लिखा है एक कैप्सूल एक दिन में, एक ही सर्विंग है गाइस, तो मैं साफ कहूंगा कि एक से ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है. कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप 2 यूज करोगे तो, बट मेरी रिकमेंडेशन, मेरे अपने भाई की बात मान लो, एक बहुत है. कब लेना है? जिस वक्त आप अपना सबसे हैवी मील लो, यानी कि सबसे ज्यादा खाना जिस वक्त खाओ. मैंने देखा है कुछ लोग प्रोटीन शेक पीने के बाद मल्टीविटामिन ले लेते हैं, ये एक बेवकूफी है. मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. बट अगर जिस वक्त जैसे आप लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, उस वक्त आप सबसे ज्यादा हैवी मील लेते हो, रोटी, सब्जी, सलाद, तो उस
पुस्तक ए मल्टीविटामिन लेना बेस्ट ऑप्शन होगा। सो गाइस बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना, अपना सपोर्ट बनाए रखना, अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद।